Allez, baissez les jambes de lui. माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों के 5,80,084 पद सृजित हैं। चलिए उत्तर पड़ा वो मान लिया, सबके सबके डिवाइस पर है, आप उसके ऊपर वो ले लीजिए, अनुपूरक पूछ लिए। जो अध्यापकों का बच्चों का कितने अध्यापक एक बच्चे कितने बच्चों का अध्यापक होने चाहिए, एक तो ये है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल इसमें ये है, सफाई कर्मचारी वहां नहीं है, और मैंने ये भी क्वेश्चन लगाया है कि कितने अध्यापक कम हैं और सफाई कर्मचारी नहीं है, इसका भी जवाब दिया जाए। सरकार ने ऐसी व्यवस्था पैदा कर दी है कि वहां सफाई कर्मचारी है नहीं, खुद अध्यापक सफाई करते हैं, या टॉयलेट में गंदा है, या वो बच्चों के टॉयलेट साफ कराते हैं, तो ये स्थिति ठीक नहीं है। सरकार इस पर ध्यान दे, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब दे मंत्री जी। नहीं, आप सुझाव दे रहे हैं कि प्रश्न कर रहे हैं? प्रश्न भी है, प्रश्न है जी, प्रश्न माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि छात्र और शिक्षक के बीच में जो अनुपात होना चाहिए, वो पीटीआर जो होता है प्राइमरी में 30 बच्चों पे एक शिक्षक का होता है, और अपर प्राइमरी में वो 35 बच्चों पे एक शिक्षक का होता है। और जहां तक उन्होंने प्रश्न उठाया है कि विद्यालयों में जो शिक्षक की कमियों की जो बात कर रहे हैं कि विद्यालयों में शिक्षक की कमी है, तो हमारे पास में इस वक्त विद्यालयों में लगभग 6,28,915 अध्यापक हैं, जिसमें कि हमारे शिक्षा मित्रों को भी हम सब लोग सम्मिलित करते हुए 1,47,766 हमारे पास शिक्षा मित्र हैं, और अनुदेशक 27,515 हैं। और जहां तक सफाई कर्मियों की अभी यहां पे बात करी, तो विद्यालयों में अलग से सफाई कर्मियों के लिए व्यवस्था नहीं होती है, जो ग्राम में सफाई कर्मचारी गांव में सफाई कर्मचारी नियुक्त होते हैं, उन्हीं के माध्यम से विद्यालयों में जो सफाई का कार्य है उसको कराया जाता है। मैं एक वो जो अनुपात दिया है उसके अनुपात एक लिस्ट आपको बता रहा हूँ। मेरे शामली गांव, शामली डिस्ट्रिक्ट में ऐसे गांव है, एक रामपुर खेड़ी गांव है, छात्र है 162, मास्टर है 2। कुर्तान गांव है, 200 छात्र है, मास्टर है 1। एक चुंदा हेड़ी गांव है, 100। ये बात तो ध्यान नहीं होगी ना मंत्री जी को, सारे के सारे जो आंकड़े बता रहे हो आप, अभी ऐसे उनके पास सारे अनुपात उन्होंने बताया, आप लिख के दे दो उनको, आप लिख के दे दो जो अनुपात बताया, आप लिख के दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं, इन्होंने शिक्षा मित्रों की बात कही है, हम जानना चाहते हैं कि इस प्रदेश में कितने शिक्षा मित्र हैं, क्या इनको सरकार शिक्षक के रूप में, जैसा कि हमारी सरकार ने जब माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे किया गया था, तो उस दिशा में सरकार विचार करेगी। माननीय मंत्री जी, अब तो 1200। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से मैंने अभी अपने उत्तर में बताया कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र 1,47,766 शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश में हमारे हैं, और शिक्षा मित्रों को जिस तरह से अभी माननीय सदस्य पूछ रहे थे कि शिक्षा मित्रों को हम शिक्षक के रूप में नियुक्त करेंगे या फिर नहीं, तो शिक्षा मित्रों को 2014 में शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, और 2017 में कोर्ट के आदेश के अनुसार, क्योंकि शिक्षा मित्र एनसीटी के जो नियम है उसके अनुसार जो हमारे शिक्षक होते हैं उनको एक हमारे विभाग के द्वारा भर्ती परीक्षा को पास करना होता है, ग्रेजुएट होना कंपलसरी होता है, बीटीसी या बीएड होना आवश्यक होता है, उसके साथ साथ टेट को भी किया होना आवश्यक होता है। अगर इतनी मानकों को पूरा करते हैं तो एक शिक्षा मित्र को हम शिक्षक के रूप में उसको नियुक्त कर सकते हैं। और जब ये नियुक्तियां हुई है 69,068,500 की, तो 15,240 शिक्षा मित्रों को इसमें ये जिन्होंने इन सारे मानकों को पूरा किया उनको नियुक्त भी किया गया है। माननीय सदस्य ने जानना चाहा था कि प्राथमिक विद्यालयों में सफाई कर्मी की नियुक्ति की जाएगी, मान्यवर ये सबसे बड़ी समस्या, और आए दिन आप लोग आपने भी देखा होगा कि बच्चों से सफाई कराई जाती है। माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि सफाई कर्मी हर गांव में नियुक्त हैं, हर गांव में जो सफाई कर्मी नियुक्त हैं उनको आपने नियुक्त कर दिया, जो गौशाला बना है उसमें नियुक्त कर दिया,
जिसके कारण गांव की भी सफाई नहीं हो पा रही है। इस लिहाज से मेरा एक प्रश्न तो यह है कि क्या सफाई कर्मी को नियुक्त करके विद्यालय जिससे साफ सुथरा रहे, जिससे बच्चों से सफाई न कराना पड़े, क्या इस पर सरकार विचार करेगी, नंबर एक। नंबर दूसरा प्रश्न माननीय, हमारे जो शिक्षक हैं एक तो मानक के अनुरूप हैं भी नहीं। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि 51,000 से ज्यादा पद शिक्षकों के रिक्त, उसके बावजूद भी उन्हीं शिक्षकों से कभी जनगणना का काम, कभी वोटर लिस्ट बनवाने का काम, कभी अन्य तमाम कार्य उनके द्वारा भी हमारे जिले में मान्यवर जो हमारे जो ब्रश में जी मान्यवर जो ये अभी कवारिया का जल चल रहा था उस समय शिक्षकों की नियुक्ति लगा दी गई उनकी सुरक्षा में, तो अगर शिक्षक अन्य कार्यों में लगाए जाएंगे तो निश्चित रूप से पठन पाठन अच्छा नहीं हो पाएगा, व्यवधान पड़ेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ये सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के, जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों के केवल पढ़ाई के अलावा शिक्षक के कार्य के अलावा अन्य किसी कार्य में नहीं लगाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने सफाई कर्मियों के बारे में प्रश्न किया तो सफाई कर्मियों की जो व्यवस्था है आज विद्यालयों की, अगर हम परिषदीय विद्यालयों की स्थिति देखें तो हमारे परिषदीय विद्यालय आज बहुत बेहतर स्थिति में है और सफाई कर्मचारियों की अलग से विद्यालय में नियुक्त करने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो ग्राम में सफाई कर्मचारी नियुक्त है उन्हीं के माध्यम से ये सारे काम को कराए जाने की व्यवस्था बनाई गई है। माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न उठाया था शिक्षकों को अन्य कार्य में लगाने के, शिक्षकों के अन्य कार्यों को लेकर के, तो मुझे लगता है कि शिक्षकों के द्वारा पुराने समय में अन्य कार्यों को जिस तरह से उनको उनके द्वारा काम कराए जाते थे, आज की व्यवस्था में इन सारी चीजों को समाप्त कर दिया गया है। शिक्षकों का पूरा ध्यान ज्यादातर वो अपने पठन पाठन के कार्य में दे रहा है और समाप्त कर दिया। प्रश्न संख्या 4 माननीय श्री पंकज मलिक, नहीं डिबेट हो गई बहुत।